हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बमोत्रास किचन विद संदीप बमोत्रा के संग। आज देखिए दोस्तों, मौसम इतना सुहाना है और इस मौसम के चलते ही मेरे को आइडिया आया है कि आज आपके लिए एक बड़ी आसान सी रेसिपी बताई जाएगी जो 2 से 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी का नाम है घीवर, जो कि हमारी जम्मू की ट्रेडिशनल डिश है, को हम बोलते हैं घीवर। ठीक है, अभी आपको आगे जाके सारी विधि बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं घीवर। घीवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 कटोरी मैदा चाहिए, 2 टीस्पून हमें चाहिए अजवाइन, 1 चम्मच हमें चाहिए साल्ट, नमक और 1 कप पानी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बोल लेंगे, बोल में मैदे को डालेंगे और 2 टेबल स्पून हमें अजवाइन डाल देनी है, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालिए और इसको पहले अच्छी तरह से हिला लीजिए, मिक्स करिए आराम से। इसको इस तरह से मिक्स करना है कि कोई भी लम्स नहीं बनने चाहिए, ऐसा ऐसा करके हम थोड़ा पानी लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पैटर्न बन के तैयार हो चुका है अच्छी तरह से। देखो इसमें कोई लम्स नहीं है अभी तक, ठीक है, लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, लोग तो हाथ का यूज करते हैं और फ्राई पेपर, हमने इजी तरीका निकाला है फटाफट बनाने का। एक खाली बॉटल ले ली है, हमारे पास ये सॉस की बॉटल थी, हम इसमें क्या करेंगे, पहले गिलास पे थोड़ा सा ट्रांसफर करते हैं, इसको एक बोतल में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे टाइम की बचत हो जाएगी और मैक्सिमम नंबर में हमारे पास घीवर जल्दी से जल्दी बन पाएंगे। इस तरह से हमने ये बोतल को ट्रांसफर कर लिया है, तो सब एक आगे का प्रोसेस। देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले ये करना है, एक फ्लैट तवा ले लेना, गैस को ऑन कर लेते हैं और इस पे हम ऑयल डाल देते हैं। देखिए अब तेल गर्म हो चुका है, अब हमने आप एक बॉटल ली, इसको ऐसे लेप लेना और अच्छी तरह से इसको फिल कर देना और इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना। देखिए हमारा घी पक चुका है, अब इसको निकाल देते हैं। इसकी बनावट ये अच्छी है, अब इसको हम प्लेट पे लीजिए, आपका घ्यूर तैयार है। इसी तरह हम बाकी वाले भी घ्यूर निकाल के रेडी कर लेंगे। लो दोस्तों, आपकी घीवर बनके तैयार है। देखिए आप इसको चीनी के साथ भी खा सकते हो, दही के साथ भी, जैसे आपकी मर्जी। घीवर बनके तैयार है, ये 5 मिनट रेसिपी थी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।